Sanjay sir and Pandulam sir to felicitate. Thank you so much. और मुझे इतनी इज्जत सब लोग दे रहे हैं और थोड़ी सी शर्म भी आती है कि सब इतना बोल रहे हैं, मैं उसके लायक भी हूँ या नहीं। और मुझे बहुत बहुत ही खुशी है क्योंकि मैं अश्विन का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अश्विन का। अश्विन और मैं, हम लोग बहुत सालों से साथ काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत बात जो अश्विन के गाने में है, गाने में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो फ्लूट बजाता है, मेरे बहुत गानों में अश्विन ने फ्लूट बजाया है, तो गाना एक बात होती है, उसको समझना एक और बहुत ही डीप आर्ट है। बहुत लोग ऐसे होते हैं और मैंने देखे हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, कि जो कि गाते हैं पर गाना समझ नहीं पाते। तो वो एक जो आर्ट अश्विन के अंदर है कि वो जो इतनी डीप जाके म्यूजिक को समझता है, वो बहुत ही रेयर पार्ट। और व्हेन ही प्लेज इट फील्स लाइक यू नो ही इज सिंगिंग, ही इज जस्ट नॉट प्लेइंग, इट्स जस्ट ही इज सिंगिंग। A film directed by Nagraj MP, edit Amit Kumar, choreography Rahul, Sanjeev, Rajesh Birve and Rohit. A bit forward for the photographs. बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का और बहुत अनयूजुअल है। और जो सिंगर्स का सिलेक्शन है, फिल्म ब्राइडे का म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत म्यूज़िक है और बहुत अनयूजुअल है। और सिंगर्स का सिलेक्शन, एश किंग, बेनी एंड जोनिता, सब ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया। और कॉम्पोजिशन, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही अनयूजुअल हैं। एंड अश्विन श्रीनिवासन जो कि बहुत ही बड़े फ्लूट प्लेयर हैं और उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हिंदी फिल्म म्यूज़िक का, इस वजह से इस म्यूज़िक का अनयूजुअल होना बहुत ही लाजमी था और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक। मुश्किल काम होता है क्योंकि लैंग्वेज दूसरी होती है, पर इसीलिए वो अनयूजुअल भी साउंड करता है। और अगर सिंगर और यू नो कंपोज़र, अगर वो लोग बहुत सिंसियर हैं और बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो वो मुश्किल काम तो होता है पर उससे अनयूजुअल भी लगता है। तो बहुत अच्छे लगे मुझे, स्पेशली एश किंग और जोनिता का गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड आई थिंक दिस विल गो वेरी फार, दिस इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन मराठी सिनेमा। दारू का गाना ड्राइडे करके, दारू का गाना तो और जलाता है ना, ड्राइडे नाम पे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वेरी पॉपुलर सॉन्ग, पीपल आर गोइंग टू डांस ऑन दैट सॉन्ग। नहीं, मैं उसका सिर्फ म्यूज़िक कर रहा हूँ, मुझे तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। पर मैं पहले भी एक मलयालम फिल्म का म्यूज़िक कर चुका हूँ, 20 साल पहले किया था, तो ये मुझे दोबारा मौका मिला है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरी लैंग्वेज में जाके काम करने का अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि उस जो आप ट्यून बनाते हैं उसका फेस अचानक चेंज होना शुरू होता है जब दूसरी लैंग्वेज आती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी मुझे मराठी फिल्म का भी म्यूज़िक करने को मिलेगा। मुझे मैं एक्चुअली फॉलो नहीं करता इस चीज़ को, पर मुझे पता चला कुछ हुआ था, फिर उस पर करण ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया सब कुछ, बट आई थिंक अब तो सब ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला गाना है मराठी में, एंड मैं बहुत ऑब्वियसली मैं हिंदी के साथ स्ट्रगल करता हूँ। और अभी बहुत सारा गाना, सारे गाने आ गया है, बारिश जो हुआ। और इसके बाद रीजनल फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट है करने के लिए, बिकॉज एक हम सिंगर बहुत सीखते हैं। जब अभी बंगाली में 10 गाना गाया, कन्नड़ा भी गाया, तो ये मेरा फर्स्ट गाना है मराठी में। मैं इतना एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, 3 साल हो गया, मेरा सब करियर बन गया महाराष्ट्र में। और ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज मैं मराठी में गाया। और अभी मैं मेरा पूरा टीम मराठी है, बट मेरे को दो तीन वर्ड मालूम है, एक है नमस्कार, एक है इकड़े और एक है तिकड़े और एक है मी इकड़े, यू अ तिकड़े। अमेजिंग। एंड अश्विन श्रीनिवासन इज़ लिटरली वन ऑफ आवर ग्रेट म्यूजिशंस।
वेरी वेरी सीनियर, बहुत यंग है बट तो भी बहुत सीनियर है. ही टोज विद द बेस्ट यू नो. तो बहुत सरप्राइज था जब अश्विन श्रीनिवासन ने मुझे कॉल किया, तो मुझे लगा कि किसी और का नंबर चाहिए. मुझे बोला कि ये गाना है, तो ओके ट्राई करता हूँ. और जो फीलिंग था जो मैं जब मैं पहले हिंदी में गाया, वो फीलिंग वापस आया जब मैं ये गाना गाया. गड़ गड़ कोड़ शत उठवी आग तशी उठली ग, जरा जरा पेटली ग, बगुना रोज मी तुला अजीब जाल तो, सपना सारी गोफनीला टांग तो, चांदनी का पाप नीला पांद तो, अशी कशी. थैंक यू सो मच. हाय, आई एम मोनालिसा बागल. माय फर्स्ट फिल्म वाज झाला बोभाटा. दिस इज ब्राइडे फिल्म एंड आई एम गिविंग इंटरव्यू फॉर ब्राइडे. ये मेरा बहुत वाव एक्सपीरियंस था ब्राइडे के लिए. हम लोगों ने ये फिल्म के लिए मनाली जाके शूट किया है. एक लव सॉन्ग है गारा गारा कोळशातम. और मनाली का एक्सपीरियंस जो था इट वाज वाव. और विद ऋत्विक तो बहुत ज़्यादा अच्छा था. ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव. और पूरी टीम जो है मेरी, पांडुरंग जादव सर, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल माय होल क्रू, पूरी टीम, मेरे जो को आर्टिस्ट है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. दारू डिंग डंग डिंग डंग वॉज, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ये सॉन्ग तभी लाइक कि अरे मैं क्यों नहीं हूँ इस सॉन्ग में, क्योंकि सब बॉयज ही थे ये सॉन्ग में. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी होनी चाहिए, क्योंकि आई वांट टू डांस यार, कुछ भी हो जाए मुझे डांस करना है. और लाइक कि अनफॉर्चुनेट करना था वो सेड मी, अरे मोनालिसा तू पण आहेस या सॉन्ग मध्ये. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अरे मैं भी रहने वाली हूँ इस सॉन्ग में. और सब लोग नीचे डांस कर रहे थे और ऊपर टेरिस पे या दारू डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग ऊपर मैं डांस कर रही थी. और मुझे ऐसा लग रहा था कब जाके मैं नीचे परफॉर्म करूँ, लेकिन मैं ऊपर ही थी, सब लोग नीचे परफॉर्म कर रहे थे. एंड आई नो दैट कि आप भी बहुत इन्जॉय करोगे इस सॉन्ग को लेके.